कर 12 बजे तक बनाओ। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि साउंड जब भी किसी मीडियम में चलती है या प्रोपेगेट करती है तो उसकी स्पीड पर ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये ह्यूमिडिटी क्या होता है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है, उस एयर का यूनिट वॉल्यूम हम ले लें, उसमें जितना वाटर वेपर प्रेजेंट होगा वो ह्यूमिडिटी कहलाती है। तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के यूनिट वॉल्यूम में गिवन टेम्परेचर पर जितना वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो आइए देखें ह्यूमिडिटी से साउंड का स्पीड का क्या रिलेशन है, क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप रेनी सीजन में देखिए तो मेढक के टर टर की आवाज़ दूर तक सुनाई पड़ती है, मीन्स फ्रॉग्स की साउंड दूर तक सुनाई पड़ती है, फैक्ट्री के सायरन दूर तक सुनाई पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है कि रेनी सीजन में हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है और वाटर वेपर का अमाउंट ज़्यादा होने से जो है वो साउंड जो है आसानी से या तेज चलने लगती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है तो दूर तक हमें साउंड सुनाई पड़ती है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं ह्यूमिडिटी के विषय में। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, मींस एयर में साउंड की स्पीड पर ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द ह्यूमिडिटी इन एयर। एयर में ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाएगी, वाटर वेपर बढ़ जाएगा, वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो उस केस में साउंड की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने से के साथ साउंड की स्पीड इंक्रीज होती है और रेनी सीजन में यही कारण है कि साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है और साउंड ट्रेवल फास्ट ट्रेवल करती है और समर सीजन में वो स्लो ट्रेवल करती है। द डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर इज 5/8 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। जो वाटर वेपर की डेंसिटी है या ह्यूमिड एयर की डेंसिटी होती है वो ड्राई एयर से कम होती है, मीन्स वाटर वेपर की डेंसिटी जो ड्राई एयर है उससे 5/8 टाइम्स होती है। कितनी होती है, 5/8 टाइम्स होती है। रो वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर इक्वल टू 5/8 टाइम्स डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। तो देखिए ड्राई एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है और वाटर वेपर की डेंसिटी कम होती है तो उसमें स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। देयरफॉर इंक्रीज इन मॉइस्चर इन द एयर टेंड्स टू डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ एयर। जैसे जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर इंक्रीज होता जाता है, मॉइस्चर का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, मॉइस्चर का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। तो जैसे जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर इंक्रीज होता जाता है, मींस वाटर वेपर इंक्रीज हो जाता है वैसे वैसे डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है तो साउंड की स्पीड इंक्रीज होती जाती है। तो जो वाटर वेपर है उसकी डेंसिटी ड्राई एयर की 5/8 टाइम्स होती है, इसलिए मॉइस्ट एयर की या ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम होती है, ड्राई एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है और स्पीड डेंसिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो मॉइस्ट एयर में स्पीड ज़्यादा होती है, ड्राई एयर में स्पीड कम होती है। हैंस द स्पीड ऑफ साउंड इन ह्यूमिड एयर इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। इसलिए ह्यूमिड एयर में जो साउंड की स्पीड होती है वो ड्राई एयर से ग्रेटर होती है। ओके या आप ऐसे कह सकते हो साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन ह्यूमिड एयर देन इन ड्राई एयर। साउंड जो होती है ह्यूमिड एयर में ड्राई एयर से ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करती है, साउंड जो है वो ह्यूमिड एयर में ड्राई एयर से ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करती है। साउंड की स्पीड जो है वो मॉइस्ट एयर में ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है, वाटर वेपर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे डेंसिटी एटमॉस्फेयर की एयर की कम होती जाती है, स्पीड बढ़ती जाती है। आइए हम एग्जांपल देखें इसका डेली लाइफ का। इन रेनी सीजन सायरन ऑफ फैक्ट्री आर कैन बी हर्ड फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस एज स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में जब किसी फैक्ट्री का सायरन बजता है तो बहुत दूर तक आवाज सुनाई पड़ती है। उसका रीजन क्या है कि रेनी सीजन में एयर में मॉइस्चर में ऐड हो जाता है, वाटर वेपर ऐड हो जाता है, उस मॉइस्चर के ऐड होने से डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, डेंसिटी डिक्रीज होने से स्पीड साउंड की इंक्रीज हो जाती है।
साउंड ऑफ फ्रॉग कैन बी हर्ड टू अ लॉन्ग डिस्टेंस इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में हम मेंढक की आवाज़, फ्रॉग की आवाज़ दूर से सुन सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी कम हो जाती है तो साउंड की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो ये रहा इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। तो याद रखना है, साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन ह्यूमिड एयर देन इन ड्राई एयर। साउंड जो है ह्यूमिड एयर में ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करती है ड्राई एयर के कंपेरिजन में। तो ये रहा ह्यूमिडिटी का इफेक्ट। अब हम देखेंगे विंड ब्लो का क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हवा चल रही होगी तो साउंड का इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो जिधर साउंड जा रही है, अगर उसी डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है तो साउंड की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और जिधर साउंड जा रही है उसके अपोजिट अगर विंड ब्लो कर रही हो तो साउंड की स्पीड डिक्रीज हो जाती है, और जिधर साउंड चल रही है उसके 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर अगर विंड चले तो साउंड की स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आइए हम देखें इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड, इफेक्ट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड पर विंड की स्पीड का क्या इफेक्ट पड़ता है। द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ विंड। विंड किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही इसके बेसिस पर साउंड की स्पीड इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है। आइए देखें, इफ विंड इज ब्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, अगर विंड जो है साउंड की डायरेक्शन में ब्लो कर रही है, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज, उस केस में साउंड की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर जिस डायरेक्शन में विंड चल रही है उसी डायरेक्शन में जो है साउंड भी ट्रेवल कर रही है तो साउंड की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और जिस डायरेक्शन में साउंड ट्रेवल कर रही है अगर उसके अपोजिट विंड चल रही है तो साउंड की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। इफ विंड इज ब्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेज, अगर जिधर साउंड चल रही है उसके अपोजिट अगर विंड चल रही हो तो साउंड की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। देखिए ये आपकी साउंड ट्रेवल कर रही है, देखिए ये साउंड ट्रेवल कर रही है, इसी डायरेक्शन में विंड चल रही है तो स्पीड ऐड हो जाएगी, V प्लस W हो जाएगी साउंड की स्पीड। ये देखिए साउंड की स्पीड है, ये देखिए विंड की स्पीड है, एक दूसरे के अपोजिट में है तो साउंड की स्पीड में से विंड की स्पीड माइनस हो जाएगी, उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। अब डेली लाइफ में हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर सुने, कहीं पर म्यूजिक बज रहा हो दूर में, और अगर वो म्यूजिक साउंड की ही डायरेक्शन में विंड की ही डायरेक्शन में ब्लो कर रहा हो, साउंड कर रहा हो, तो हमें साउंड जल्दी सुनाई पड़ती है। लेकिन अगर म्यूजिक जिधर बज रहा है विंड उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो हमें वो देर से सुनाई पड़ती है या कम सुनाई पड़ती है, फिर सुनना मुश्किल हो जाता है। मीन्स अगर कोई एक दूर म्यूजिक बज रहा हो और विंड ब्लो कर रही हो उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में साउंड आ रही है, तो हमें वो जल्दी क्विकली सुनाई पड़ेगी, जल्दी सुनाई पड़ेगी वो साउंड। लेकिन अगर उसके अपोजिट विंड ब्लो कर रही हो तो हमें देर से सुनाई पड़ेगी, बड़ी मुश्किल से सुनाई पड़ेगी, ठीक ना। तो अगर साउंड की ही डायरेक्शन में विंड चल रही तो साउंड की स्पीड के साथ विंड की स्पीड ऐड हो जाती है, अगर उसके अपोजिट चल रही तो माइनस हो जाती है। ओके, ये रहा स्पीड ऑफ इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑफ विंड ऑन द साउंड। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बातें हैं जो साउंड की स्पीड को अफेक्ट नहीं करती हैं, जिन पर साउंड की स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसमें ना तो प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ता है, ना आपका फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का कोई इफेक्ट पड़ता है, मीन्स प्रेशर ऑफ मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और एम्पलीट्यूड ऑफ वेव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, साउंड वेव के एम्पलीट्यूड का, साउंड वेव की वेवलेंथ का, साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी का, मीडियम के प्रेशर का, इन पर साउंड की स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो प्रेशर ऑफ द मीडियम डज नॉट इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड डज नॉट इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड, फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द साउंड डज नॉट इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। तो फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, एम्पलीट्यूड है, प्रेशर है, इन बातों का साउंड की स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक ना। ओके, तो इसको आपको याद रखना है। अब हम चाहते हैं कि हम कंपैरिजन कर लें स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ लाइट का। तो हमने बताया था कि अगर हम साउंड की स्पीड और लाइट की स्पीड को कंपेयर करें तो साउंड जो है बहुत स्लो चलती है, लाइट की स्पीड वेरी फास्ट होती है, सबसे मैक्सिमम होती है। तो लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 लाख मीटर पर सेकंड होती है, और साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकंड होती है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या नॉन मैकेनिकल वेव है, साउंड एक मैकेनिकल वेव है। लाइट के लिए मीडियम नहीं चाहिए, साउंड के लिए एक मीडियम चाहिए। लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, साउंड एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है।
तो मीन्स साउंड की लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इसका हम इफेक्ट डेली लाइफ में भी फील करते हैं। डेली लाइफ में हमने आपको बताया था कि जब स्काई में लाइटनिंग होती है, थंडरिंग होती है, तो हमें लाइटनिंग पहले दिखती है और थंडरिंग बाद में। उसका रीजन क्या है कि साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है और लाइट की स्पीड जो है वो साउंड की स्पीड कम होती है, लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। दूसरा मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जब भी हम किसी फायर क्रैकर्स को बर्न करते हैं तो उसकी फ्लैश हमें पहले दिखाई पड़ती है, साउंड बाद में सुनाई पड़ती है, और क्योंकि लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। दूर में कोई आदमी गन से फायर कर रहा हो तो उसकी फ्लैशिंग आपको स्पार्किंग पहले सुनाई पड़ेगी, साउंड बाद में सुनाई पड़ेगी, क्योंकि लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। तो डेली लाइफ में ये कई फिनोमेना है जो ये प्रूव करती हैं कि साउंड की स्पीड ज़्यादा होने से वो हमें पहले सुनाई पड़ती है, ठीक है ना। अब हम ये देखेंगे कि साउंड की स्पीड सॉलिड में ज़्यादा होती है, एयर में कम होती है। इसका कोई एग्जांपल हम सोचें, इसका एग्जांपल ये है कि अगर हम एक बड़ा सा स्टील बार हो, एक बड़ी सी स्टील राड हो, और उसको एक तरफ कोई आदमी साउंड प्रोड्यूस करे हैमर से, तो दूसरी तरफ जो पर्सन खड़ा होगा उसको दो साउंड सुनाई पड़ेगी। एक तो जल्दी उस स्टील राड से सुनाई पड़ेगी जो बहुत फास्ट आएगी, जल्दी सुनाई पड़ेगी। एक एयर से आकर के सुनाई पड़ेगी, तो उसको दो साउंड सुनाई पड़ेगी। एक उस स्टील राड से आएगी जो फास्ट सुनाई पड़ेगी, एक एयर से आएगी जो देर में सुनाई पड़ेगी। इसी तरीके से अगर ट्रेन आ रही हो और उसकी ट्रैक में अगर अपना एयर लगाएं तो एक साउंड हमें जल्दी उस ट्रैक के थ्रू आकर के सुनाई पड़ेगी कि ट्रेन आ रही है, एक एयर से आएगी जो देर में सुनाई पड़ेगी। तो मीन्स इससे ये प्रूफ होता है कि साउंड की स्पीड स्टील या सॉलिड में ज़्यादा होती है और एयर में कम होती है। तो ये रहा स्पीड ऑफ साउंड का इफेक्ट। अब हम देखेंगे कि क्या मेथड है हम कि साउंड की स्पीड को डिटरमाइन कर लें एयर में, उसका कोई हम मेथड डिस्कस करेंगे। ओके।